वेलकम दोस्तों। चलिए आज बनाते हैं फ्लेक्स बैनर डिज़ाइन। वीडियो को अंत तक देखना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे डिज़ाइन कैसे बनता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी लेना पड़ेगा मुझे एक नया पेज, मैं डिफ़ॉल्ट लीटर साइज ही ले लेता हूँ। इसको लैंडस्केप कर देते हैं। लैंडस्केप करने के बाद इसको साइज़ दे देते हैं। मुझे आज बनाना है 8x3 साइज़ का एक बैनर, तो इसको 8 × 96 3 36 ये आ गया हमारा साइज़। अभी देखिए हम इस साइज को एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। इसके लिए मुझे रेक्टेंगुलर टूल में डबल क्लिक करने से आपका रेक्टेंगुलर बॉर्डर बन जाएगा। अभी इसको मैं कलर देता हूँ, सपोज मान लीजिए येलो कलर दे देता हूँ। अभी इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा, शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। इसको मैं सेंटर में ले लूंगा। सॉरी, इधर डबल क्लिक करूंगा। यहाँ तक ठीक है। ठीक, अभी इस पोर्शन को व्हाइट नहीं, दूसरा कलर दे देते हैं कुछ। हाँ, साइन येलो के साथ साइन मैच हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसके साथ कौन सा कलर जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई भी कलर दे देंगे तो धब्बा लगेगा, भद्दा लगेगा। अभी मैं इसको कॉन्टूर कर देता हूँ, ब्लैक की हो रहा है, इसको वाइट कर देता है। इधर वैल्यू बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, ज़्यादा हो गया, 2 कर देते हैं, ये भी ज़्यादा लग रहा है, 1 कर देते हैं, ये ठीक है। अभी इसको ऑब्जेक्ट को मैं ब्रेक कॉन्टर ग्रुप आर्ट अपार्ट कर दूंगा, तो ये अलग हो जाएगा। अभी इसको मैं सिलाल नॉन कर दूंगा कलर। इसको मैं थोड़ा शेड दे देता हूँ तो अच्छा लगेगा शायद, देखता हूँ। देख, डार्क कलर दे देते हैं, येलो का डार्क डीप येलो दे देते हैं। ये ठीक है। इस बॉर्डर को हम कलर वाइट रखते हैं, व्हाइट नहीं अच्छा लग रहा है। शाइन थोड़ा मोटा कर देते हैं बॉर्डर को, 4 पॉइंट, और थोड़ा मोटा 8 पॉइंट। ठीक है, 8 पॉइंट ठीक है। अभी इसको
डॉटेड कर देते हैं हम लाइन को। हाँ ठीक है, अभी मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। इसको साइज बढ़ा देते हैं, 200 पॉइंट कर देते हैं। सपोज कंपनी का नेम मुद्रोनी, इसको मैं प्लेस करता हूँ। ध्यान रखिएगा कि बॉर्डर से 1 से 1.5 इंची के दूरी पे ये वर्ड आपका प्लेस होना चाहिए, जो भी हो, नहीं तो बॉर्डर फ्रेम बनाने के टाइम वो कभी कभी ढक जाता है। इसको फॉन्ट में चेंज कर देता हूँ। कुछ अच्छा सा फॉन्ट दे देता हूँ। फॉन्ट का चूज भी जरूरी है, फॉन्ट सिलेक्शन भी जरूरी है। अगर फॉन्ट अच्छा नहीं चूज करेंगे तो बेकार लगेगा। ये वाला दे देते हैं, बोल्ड भी है, इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉन्ट का नाम हो गया। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका सब टाइटल दे देते हैं, क्या है ये चीज। ऑफसेट, ठीक है, इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं थोड़ा। चलिए मैं इधर एक चीज़ बनाऊंगा, यहाँ पे एक चीज़ बनाऊंगा, एक पिक्चर डालूंगा, इसलिए थोड़ा इसको साइड में रखते हैं। चलिए पहले सर्कल ही बना लेते हैं। एक मिनट, हाँ तो यहाँ हम सर्कल बना लिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं सर्कल को, इसको सेंटर में लाते हैं। ठीक है, चलिए और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इसके हिसाब से प्लेस करते हैं, यहाँ तक ठीक है। ऑफसेट को थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, और थोड़ा छोटा कर देते हैं ऑफसेट को। चलिए ऑफसेट को अपर केस कर देते हैं। उसको हम सर्कल कर देते हैं, हाफ, इसको भी हाफ कर देते हैं। चलिए पावर क्लिप के लिए और एक सर्कल चाहिए होगा मुझे, तो और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इसको मैं हाफ कर देता हूँ। इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर देते हैं, इधर से यहाँ तक कर देते हैं।
ये भी थोड़ा क्लोज कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया था। सॉरी, अब ये तीनों आउटलाइन को सिलेक्ट करते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करके इसका बॉर्डर दे देते हैं 8 पॉइंट। इसको भी हम डॉटेड कर देंगे, इस लाइन को भी हम डॉटेड कर देंगे। डॉटेड के लिए जाना पड़ेगा आपका पेन टूल में, इधर आ गया डॉटेड, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी डॉटेड करेंगे, सॉरी पेन टूल में। और एक चीज़ कर सकते हैं आप, इस पर इसको तो सर्कल दे दीजिए एक, बड़ा वाला देते हैं, इसका भी दे दीजिए। बस हो गया, इसको मैं पिक्चर में बाद में डाउनलोड करके लगा दूंगा। अभी चलिए देखते हैं, इसका आउटलाइन नान कर देते हैं, इसका भी आउटलाइन नान कर देते हैं, सॉरी इसका नान हो गया। चलिए अभी इसका एड्रेस डाल देते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज का कुछ, सॉरी कुछ यार, ये हो गया एड्रेस। मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, चलिए हो गया, सॉरी रिप्लेस कर देते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इधर थोड़ा जगह पकड़ रखा क्योंकि इस इधर हमको आइकॉन लगाना है, आइकॉन लगाने के लिए मुझे इधर से कॉपी कर लेते हैं, कोरल में पेस्ट करते हैं, बीट मैप में जाके मूड ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, लाइन आर्ट थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं तो ब्लैक हो जाएगा, हो गया। अभी ट्रैक बीट मैप कर देते हैं, क्विक ट्रैक ये बन गया हमारा विक्टर, इसको अन ग्रुप कर लेते हैं, इसके इधर में इसका ज़रूरत पड़ेगा, ग्रुप कर लेते हैं, फोन मोबाइल फोन फोन नंबर के लिए ज़रूरत पड़ेगा, इसको भी साइड में रखते हैं, और मेल के लिए ज़रूरत पड़ेगा उसको भी हम साइड में रखते हैं, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। अभी इसको अपना जगह पे बिठाए, ठहरिए तो क्योंकि कलर हमारा येलो और शाइन के बेस में है तो मैं इसका कलर शाइन कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा कलर मत यूज़ कीजिए नहीं तो बद्दा लगेगा, शाइन दे देते हैं, इसका भी कलर हम शाइन दे देते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, अनग्रुप शाइन हो गया, ग्रुप कर देते हैं, इसका भी कलर हम शाइन कर देंगे,
हो गया। इसको उसमें सी मारेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। चलिए अभी इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं, इसको ब्लैक ही रखते हैं, ब्लैक ही अच्छा लगेगा। ये ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। चलिए अभी इसके अंदर पिक्चर डालते हैं, इसको ले जाना पड़ेगा ऑफसेट मशीन। ये आ गया हमारा ऑफसेट मशीन। इसी इमेज को ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब इसको मैं पावर क्लिप कर देता हूँ, पावर क्लिप इनसाइड, ये आ गया। कंट्रोल पकड़ के क्लिक करेंगे तो आपका एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, एडिट कर सकते हैं आप। एडिट कर दीजिए, मशीन को थोड़ा छोटा कर दीजिए, पॉपर दिखे। इसका कलर व्हाइट कर दीजिए, बस हो गया मशीन। अभी इधर फका, तो इधर जो मुझे कुछ फिलअप करना पड़ेगा, एक मिनट, एक पहले ख़त्म कर लेते हैं। इसको आउटलाइन नॉन कर देते हैं, इस आउटलाइन ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम व्हाइट कर देते हैं। ठीक, व्हाइट अच्छा लग रहा है। तो अभी इधर फका है, तो इधर एक काम करते हैं, क्या क्या होता है वो लिख देते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए ये टूल, एक काम कीजिए, इधर 50 वैल्यू दीजिए, इधर 50 वैल्यू दे दीजिए। सॉरी, लॉक है, लॉक, इस लॉक को ओपन कर दीजिए। उसके बाद इधर वैल्यू दीजिए 50, इधर भी 50 दे दीजिए। तो इधर आपका इस तरह से डिज़ाइन तैयार हो गया, इसको ब्लू कर दीजिए, आउटलाइन को नॉन कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो कितना पॉइंट हम देंगे, एक दे देते हैं मल्टी कलर, एक दे देते हैं ऑफसेट पेंटिंग, एक डिजिटल पेंटिंग, फ्लेक्स पेंटिंग, तो पाँच पाँच ले लेते हैं। कंट्रोल आर आर आर, इसको ग्रुप कर लेते हैं, इसके साथ सेंटर में डाल देते हैं, अनग्रुप, सॉरी। अभी टेक्स्ट लिख लेते हैं, मल्टी कलर प्रिंट बन गया। एरिया ले लगते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, कलर व्हाइट दे देते हैं, मल्टी कलर पेंट हो गया। अभी लिखते हैं मेन बेस ऑफसेट
प्रिंट ये भी हो गया। डिजिटल प्रिंट फ्लेक्स प्रिंट कंप्यूटर डिजाइन, तो इससे पता चलेगा कि यहाँ ये सब काम होता है। तो बन गया हमारा फ्लेक्स का डिज़ाइन, देखिए।